खबर गाजीपुर जनपद से, जहां विकास खंड सादात अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ पुखुर्द में 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम मूर्ति स्थापना को लेकर भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई, जो शिव मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव में भ्रमण करते हुए समाप्त हुई। इस दौरान ग्राम प्रधान अनिल सिंह यादव ने बताया कि 22 तारीख को शिव मंदिर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरे ग्राम वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें सभी लोग साथ आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम की विशेष सहभागिता में इस अवसर पर नीलम चौबे, धीरेन्द्र मिश्रा, संजय चौबे, मंटू चौबे, मोहन राजा, राजीव चौबे, गोपाल चौबे, शाश्वत मिश्रा, उत्तम चौबे, मोनू मिश्रा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर जनपद के ग्राम पहाड़पुर में। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने नए भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में गांव-गांव, शहरों में, पूरे विश्व में भ्रमण किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले 22 तारीख को अपने घरों में दीप जलाएं और प्रभु श्री राम के नाम का पूजन कीर्तन, रामायण पाठ, सुंदर पाठ करें। तो आइए हम मिलते हैं पहाड़पुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अनिल यादव जी से। हम ग्राम प्रधान पहाड़पुर खुद अनिल यादव, जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण या उद्घाटन हो रहा है, उस उपलक्ष्य में हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के, हमारे यहाँ शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उस पर हर कीर्तन, रामायण सब किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हम लोग ने जन्मभूमि के लिए कितने कितना तपस्या किया, कितना इंतजार किया, और उसी के खुशी के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को वहाँ पर भंडारा का भी आयोजन किया गया है और पूजन कीर्तन भी किया जाएगा। मेरा नाम संजय कुमार चौबे है, मैं पहाड़पुर खुर्द से हूँ। मेरे ग्राम में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में गांव में शोभा यात्रा निकाल के पूरे गांव को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने घर पे दीप जलाएं, भगवान के आगमन का जश्न मनाएं और दिवाली बना दें एकदम, कि दूसरी दिवाली अब पड़ रही है 22 जनवरी को। और इसी के साथ हम लोग गाँव का भ्रमण कर रहे हैं, गाँव के हर व्यक्ति को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए।